दोस्तों मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन तो हो गया, अब इस परिवर्तन के बाद मंगल ग्रह कौन सी वो राशियां हैं जिनको अपने ही घर में बैठे हुए कुछ कष्ट पहुंचा सकते हैं। वो खुद तो इस समय मूल त्रिकोण में है, अपनी राशि के अंदर है, प्रिय राशि के अंदर है, बट उनकी जो दृष्टि का प्रभाव है वो अच्छा नहीं है। कौन सी वो राशि रहेगी जिसके लिए मंगल अमंगलकारी हो सकते हैं, कौन सी वो राशि रहेगी जिसके ऊपर केवल मंगल का ही नहीं साथ में राहु का भी प्रभाव रहेगा, यानी कि मंगल और राहु दोनों ग्रह मिलकर के कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर अपना पाप प्रभाव छोड़ेंगे और यह पाप प्रभाव दिनांक 12 जुलाई तक चलेगा। और ये बैठने का पाप प्रभाव नहीं है, ये पाप प्रभाव होगा दृष्टि का। मैं दिनांक 6 और 7 जून को मुंबई में आ रहा हूं। अगर आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, देरी ना करें। लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स रहेंगी, इसलिए तुरंत संपर्क करें। मित्रों विषय को आगे बढ़ाता हूं और सर्वप्रथम आपको बताता हूं कि आखिर आज की ये वीडियो बनाने का कारण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण, मंगल ग्रह चौथी दृष्टि से कर्क राशि पर नीच दृष्टि डाल रहे हैं और राहु ग्रह की पंचम दृष्टि कर्क राशि पर नीच राशि पर, यानी कि मंगल की तो चौथी दृष्टि नीच कर्क के ऊपर मेष में है, तो गुनिए मेष वृष मिथुन और कर्क चौथी राशि हो गई और राहु की पंचम दृष्टि। अब ये कर्क राशि आपकी राशि के अकॉर्डिंग जिस जिस घर में जाएगी उस घर से रिलेटेड आपको बाधा पहुंचेगी। अब यहां बस एक एडवांटेज आपको मिल रहा है कि ये दृष्टि का प्रभाव है, ये बैठने का प्रभाव नहीं है। बैठता अगर नीच का होके तो ज्यादा हानि पहुंचाता। तो आइए शुरुआत करते हैं और मैं आपके लिए डिस्प्ले में राशियां भी दिखाऊंगा। पर वैसे तो पहले मैं सोच रहा था कि कुछ राशियों की बात करूं, पर अब मैं आपको ये कहता हूं कि मैं कुछ की नहीं, मैं आपसे सभी राशियों की 12 राशियों की जानकारी आज दूंगा, इसलिए ध्यान से सुने। सबसे पहला पॉइंट और पहली राशि वो है मेष। आपके सामने यहां कुंडली लग चुकी है मेष। आप देखिए मंगल यहां पर है मेष राशि में, यहां से चौथी दृष्टि जाएगी उनकी कर्क राशि में। यहां आपको बैठे हुए शायद ना दिखाई दे रहे हो क्योंकि कुंडली एग्जाम्पल के तौर पर लगाई गई है, बट मंगल इस समय यहां मेष में चल रहे हैं। 1 तारीख को उन्होंने गोचर किया है और इधर ट्रांजिट किसका है, राशि के दृष्टि के हिसाब से यहां नीच राशि आ रही है। अब ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि इधर 12 नंबर में बैठे हुए आ रही है चतुर्थ भाव पर, मंगल की इधर चतुर्थ दृष्टि आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको गले से रिलेटेड, आपको छाती से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड, आपको गले से रिलेटेड, आपकी माता को कष्ट, इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड, भूमि जमीन जायदाद से रिलेटेड, आपको राजनीति से रिलेटेड कोई बाधा पहुंच सकती है। क्योंकि मंगल और राहु दोनों का ही प्रभाव कर्क राशि और चतुर्थ भाव पर आ गया मेष राशि के हिसाब से, तो आपको यहां ध्यान रखना होगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बाधा परेशानी तकलीफ बढ़ सकती है। इसी प्रकार से मंगल ग्रह की ये तो हुई मेष राशि के हिसाब से, अब आपसे बात करते हैं वृषभ राशि की। वृष राशि के स्वामी कौन होते हैं, वो होते हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज वृष राशि के स्वामी हो गए और मंगल इधर खर्च के घर में अभी 12 जुलाई तक रहेंगे, तो यहां से इनकी चौथी दृष्टि जा रही है इधर छोटे भाई बहन मित्रगण सगे संबंधी यात्राओं के घर में, रेल यात्राओं के घर में, लंबी दूरी की यात्राओं के घर में। और राहु इधर बैठे हैं लाभ स्थान में, वो भी इधर देख रहे हैं पंचम दृष्टि से कर्क राशि को। इसका ये मतलब हुआ कि आपके लिए राहु और मंगल का छोटे भाई बहनों के घर में दृष्टि का प्रभाव आने का सीधा सीधा अर्थ है कि वो इस घर को कमजोर करेंगे, इस घर से रिलेटेड जो फल होगा उसको भी कमजोर करेंगे और इस घर में आपको कहीं ना कहीं तकलीफ फेस करनी पड़ेगी और इस घर में
आपको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ेंगी और संगीत कला से रिलेटेड लोगों को दिक्कत आएगी। छोटे भाई बहन है उसे तनाव तो निश्चित तौर पर बढ़ना ही है, कोई चीटिंग फरेब आपके साथ हो सकती है और आपके अपने जो गुण हैं उनका अति व्यय होगा अपने घर परिवार के लोगों के ऊपर। और लंबी दूरी की यात्राएं आप करेंगे ज़रूर, बट उनसे आपको आनंद नहीं मिल पाएगा, यात्राओं से आपको कष्ट होगा, ऐसा आपकी वृषभ राशि यहां पर इंडिकेट कर रही है। 12 जुलाई तक का योग है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं तो आपको अलर्ट करने के लिए आया हूं आज आपको। और मिथुन राशि के विषय में यदि चर्चा करूं तो मैं यही कहूंगा कि मिथुन राशि आपके, देखिए यहां मेष राशि में मंगल है वर्तमान में 12 जुलाई तक, और चौथी दृष्टि जाएगी आपके धन के घर पर, सेकंड हाउस पर, जहां 4 नंबर लिखा है। इसके अलावा राहु आपके यहां कर्म बाप पर बैठे हैं, ये रहे, और यहां से इनकी पंचम दृष्टि भी धन के घर पर है। मंगल राहु की दृष्टि परिवार पर आ गई, धन पर आ गई, वाणी पर आ गई, आपके व्यक्तित्व पर आ गई, आपके चेहरे पर आ गई, और मंगल की तो नीच दृष्टि भी आ गई। ऐसी स्थिति में आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा और बखूबी ध्यान रखना पड़ेगा। आपके चेहरे में कोई कष्ट हो सकता है, वाणी में विकार हो सकता है, अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, गाली गलौच देना, है ना, ज्यादा किसी की सुनना ना, अपनी चलाना, आपका नेचर डोमिनेटिंग हो सकता है, ऐसे ग्रह गोचर मुझे यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरा यही कर्तव्य है, यही धर्म बनता है कि मैं आपको आगाह करूं और आपको समझाऊं। तो मिथुन राशि वालों, परिवार से थोड़ा मिल करके रहना, या हो सके तो जैसे बहुत से लोगों की बात होती है ना, बहुत घुल मिल के परिवार में रहना, अगर आप ज्यादा बोलोगे इस समय तो आपको कष्ट होगा, इसलिए आप थोड़ी दूरी बना लो। इसी प्रकार से अब मैं आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में बात करूंगा, और पैसे का जो लेन देन है वो आपको बहुत ही सोच समझ के करना है, ये भी मैं आपसे कहूंगा। कर्क राशि, ये आ गई आपकी, ये रहे आपके मंगल ग्रह कर्क राशि के हिसाब से, यानी कि जहां पर 1 नंबर लिखा है वो है मंगल का घर, और मंगल अभी यहां चल रहे हैं वर्तमान स्थिति में, पर चौथी दृष्टि से देख रहे हैं कर्क राशि को, आपकी खुद की राशि को देख रहे हैं, और साथ में इसी घर को राहु भी देख रहे हैं इधर भाग्य स्थान में बैठ करके पंचम दृष्टि, यानी कि अब आपको अगले लगभग 40 दिनों तक मान सम्मान में कमी आना, व्यक्तित्व में कमी आना, और इस आपको कोई धोखा फरेब आपके साथ होना, आप खुद कमिटमेंट पूरे ना कर पाना। आप बोल तो दोगे कि मैं कर दूंगा, पूरा करूंगा वादा, पर आप कर नहीं पाओगे, ऐसा एक योग यहां पर बनता है। बट मंगल के जो यहां के एडवांटेज है ना कैरियर के, वो तो अच्छे हैं कि कैरियर की गति मजबूत होगी, रुचक राजयोग बना हुआ है वो कैरियर को उठाएगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, संतान बुद्धि उन्नति एजुकेशन के लिए अच्छा है, ये फल तो मैं मंगल परिवर्तन के ऑलरेडी बता चुका हूं, पर मैं आज क्या बता रहा हूं ड्रॉबैक, और वो ये है कि सम्मान में आपको निश्चित तौर पर कमी महसूस होगी। बड़े लोगों से सतर्क रहें, जल्दी से किसी को अपने सर्कल में मत जोड़िएगा। तो ये बात हुई आपकी अभी विशेष रूप से 4 राशियों की। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूंगा, अभी आपसे इजाजत चाहता हूं, नमस्कार, धन्यवाद।